রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, কোথায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা? অভিযোগ, বিহার থেকে আসা বিকাশ কুমারের নামের এক ইঞ্জিনিয়ার যুবক আগরতলা রেলস্টেশন থেকে উষাবাজার যাওয়ার জন্য অটোতে ওঠেন, কিন্তু এই যুবককে জিডানিয়ার এক নির্জন জায়গায় নিয়ে বেধড়ক মারধর করে তার সাথে থাকা টাকা পয়সা মোবাইল ফোন সহ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছিনতাই করে দুষ্কৃতিকারীরা। সুশাসনের আমলে এই ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা দিন দিন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। সাধারণ মানুষ বা বাইরে থেকে আগত কর্মজীবী যুবকরা কতটা নিরাপদ সেটাই এখন ভাবনার বিষয়। আক্রান্ত যুবক বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুনে নেব একবার আক্রান্ত যুবক কি বলছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, প্ল্যানেট ত্রিপুরা নিউজ। प्लेटफॉर्म पर उतरा, ऑटो रिजर्व किया, ऑटो रिजर्व करके मैं निकला उषा बाज़ार के लिए। मेरे कुछ चाय में जो है ना, वो पुलिस लाइन से पहले एक जगह गाड़ी रोका, वो चाय में कुछ मिला दिया, मेरे को पिला दिया। मतलब उसके बाद से निकले थे, ऑटो था या जो बैटरी का रिक्शा था? ऑटो था, ऑटो था। कहाँ जाने वाले थे? ये उषा बाज़ार जाने वाले थे। उस वक्त ऑटो में सिर्फ अकेला था या वो ड्राइवर का एक आदमी और था? जी, क्या हुआ उसके बाद? वो मैं थोड़ा नींद में आ गया, मैं उसी में बेहोश हो गया। वो मेरे को जब जंगल ले गया, वहाँ बोला उतरा तो मैं देखा ये तो जंगल है, मैं बोला मैं ये नहीं उतरूँगा यहाँ पे, तो वो मेरे को मारने लगा। और ऑलरेडी पहले से वहाँ तीन बंदा था, दो वही पाँच बंदा हो गया, मेरे को बहुत मारा, सामान तमान छीना, फिर एक जगह ले गया मारा। और मेरे को पता नहीं वो कौन सा जगह था, वो मेरे को वहाँ ला जा करके छोड़ दिया। कौन से रास्ते से गए थे पता है कुछ? जब मैं रास्ते से जा रहा था ना, तो एक लेफ्ट साइड में खटका लिखा हुआ था। फिर वहाँ जाके आपको क्या किया उन लोगों ने? मतलब कितने लोग थे? पांच लोग थे वो। मेरा कम को खूब मारा, बाद मेरा कपड़ा भी ले लिया जो पहना हुआ था, सारा सामान ले लिया। कैसे थे जी? 5,000 जेबी में थे और 12,000 बैग में थे मेरे। मोबाइल वगैरह कुछ थे? सारा चीज ले लिया। फिर आप हॉस्पिटल कैसे? वो मेरे को रात में कहीं ला जाके शाम में वो मेरे को छोड़ दिया रोड साइड में, मैं वहाँ बेहोश हो गया। तो मैं एक पब्लिक को बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हेल्प करो। फिर भी मेरा नशा चढ़ा ही था, मैं सो गया वहीं रोड साइड में। तो जब सो गया तो बोलता है एक आदमी, देखो पुलिस आया जाओ तुम। तो मैं पुलिस को भी सारा बात बताया, वो मेरे को ले गया सदर सरकारी अस्पताल। मैं सरकारी अस्पताल में पूछा ये कौन सा जगह, तो बोलता ये जिरनिया है। तो फिर प्रशासन मेरे को वहाँ से यहाँ फिर ले आया। मतलब त्रिपुरा में किस लिए आए थे, अगरतला किस लिए आए थे? हम रिलायंस कंपनी के टावर में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कितने दिनों से अगरतला पे? हम चार पाँच महीने से आना जाना मेरा रहता है। आप अकेले ही हैं या कोई है? नहीं, अकेला ही मैं हूँ। यहाँ पे कोई है? यहाँ कोई नहीं, बस कंपनी का ऑर्डर रहता है तो मैं आता हूँ, काम करता हूँ, मैं फिर चले जाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। उषा बाज़ार जो जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे? उषा बाज़ार महाराजा गैस एजेंसी के पास, थोड़ा जान पहचान के है रॉय, उसका नाम है जय रॉय, उसी के रूम पे ठहरता, थोड़ा खाना पीना अच्छा हो जाता है। मैं सोचा ठहर के फिर अपना काम पर निकल जाऊँगा। मैं होटल में रहते हैं? ज़्यादातर होटल में। तो आपका जो ये हालत है, किस चीज़ से आपको मारा गया? मेरे को रड से मारा, एस्टिक से मारा जा रहा था। ऑटो जो ऑटो थे उसका नंबर वगैरह कुछ पता है? सर याद नहीं रहा उनको नंबर, लेकिन उसका फेस पहचान जाएंगे। तो हॉस्पिटल के आने के बाद जो लोकल पुलिस है वो लोग आपसे बात किए थे? हाँ किए, वो सारा चीज़ मैं उनको बताया, वो छानबीन कर रहा है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन है किसी को? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। कौन से थाने से आए थे बताए? जिरनिया थाना था। जिरनिया? तो आपको बदरगढ़ स्टेशन से जिरनिया ले गए थे? वो तो जंगल ले गया, उधर से मार करके वो वहाँ पे छोड़ दिया। मेरे को भी पता नहीं था ये कौन सा जगह है। नाम क्या है आपका? विकास कुमार। उम्र कितना? 28 वर्ष है। घर का? बिहार मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में।